Hello students, welcome at quantaptitude.com. Today we are going to learn about non-inverting amplifier. So in non-inverting amplifier, obviously जैसे इसने लिखा non-inverting amplifier, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा voltage source है या जो input signal है वो किस terminal पे दिया हुआ है हमें non-inverting, and we know that non-inverting terminal is प्लस एंड द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज माइनस. सो नॉन इन्वर्टिंग तो प्लस होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा नेगेटिव होता है. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, सो जो हमारा इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है उसे हमने अर्थड किया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने वोल्टेज सोर्स वी एस यहाँ पे प्रोवाइड किया. देर इज फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ, सो दिस इज आर वन. ओके, नाउ टेल मी दैट इन केस ऑफ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गेन, देन गेन इज डिफाइंड बाय वी नॉट अपॉन वी एस ऑब्वियसली, और इन दैट केस द सोर्स इनपुट सोर्स इज वी एस, सो अगेन इज ए इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी एस. ओके, नाउ if there are a phase shift of 0 degree, then we can say that gain is 1 plus RF upon R1. That is most important. Phase shift is 0 degree. So in case of non-inverting amplifier, the gain A is defined by 1 plus RF upon R1, where phase shift is 0 degree. But in case of जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, इन केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द गेन इज डिफाइंड बाय ए इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर वन. सो रिमेंबर दीज टू पॉइंट्स. ओके, नाउ बेसिकली ये जो वी एस मैंने लिखा है इसको इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं दैट ए इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी प्लस, एंड वैल्यू ऑफ वी प्लस इज वी एस. ओके, V प्लस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो इनपुट पे जो सिग्नल है वो ओवरऑल उसका क्या किस तरीके से डिफाइन किया हमने, और V प्लस का मतलब यहाँ पे ये है कि वोल्टेज एट प्लस पॉइंट, वोल्टेज एट प्लस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और वी कैन से वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, पॉजिटिव इज नॉन इन्वर्टिंग ना, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं A इज इक्वल टू वी ओ अपॉन वी प्लस. तो अगर मैंने लिखा A इज इक्वल टू वी ओ अपॉन वी प्लस, तो इन दैट केस वी प्लस इज रेफर टू बाय वी एस. तो इस तरीके से ये हमारे पास A इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ बाय आर वन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नाउ इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, डिफाइन लाइक डिस्क्राइब भी कर सकते हैं किस तरीके से. देखो जैसे हमारा वी ओ एंड माइनस प्लस, हमने आर एस जो दिया, आर जो है हमारा इस तरीके से, और ये वी एस. सपोज करो कि यहाँ पे आर इसका रेजिस्टेंस है जो वोल्टेज सोर्स हमने इनपुट में दिया है. सो वी प्लस इज इक्वल टू वी एस बिकॉज नो करंट फ्लोज अक्रॉस आर एंड ऑल्सो नो वोल्टेज ड्रॉप, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है यहाँ पे, कोई नो करंट फ्लो अक्रॉस आर एंड ऑल्सो नो वोल्टेज ड्रॉप. So we can say that V plus is equal to Vs. Okay, now if अगर इसी के अंदर एक अगर ये और केस बनता, सपोज करो अगर इस तरीके से हमारा एक केस होता लाइक दिस, ऐसे, और फिर ये एक नोड, इसे हम ग्राउंडेड करते, तो R3 दैट इज R2 और X. Okay, if this type of problem वी कैन से दैट वी प्लस इज पॉजिटिव टर्मिनल पे या फिर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज कितना होगा, दैट इज इक्वल टू वी एस वी एक्स, और वी कैन से वी आर थ्री. वट इज द आर थ्री? आर थ्री इज डिफाइंड बाय दिस. ओके, सो वट इज द वैल्यू ऑफ वी प्लस इज वी आर थ्री? आर थ्री तो हमारे पास एज इट इज रहेगा. वट इज द वैल्यू ऑफ वी हेयर? वी इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर टू प्लस आर थ्री. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमने पहले पढ़ा है
जब हम KCL KVL पढ़ रहे थे, जब हमने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ा था, लाइक वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या आता है, हमने जब क्लास हमारी क्लास थी जब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होता है कि वोल्टेज अक्रॉस एनी ऑफ द ब्रांच इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज VS जो सोर्स वोल्टेज है अपॉन R2 + R1 द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू ब्रांचेस। ओके, तो V इस तरीके से डिफाइन, तो ये हाँ यहाँ पे V की वैल्यू है VS अपॉन R2 + R3 और R3 एज इट इज़। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो इन और नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द वोल्टेज फॉलोवर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, कंपेरेटिव एम्पलीफायर एंड सबट्रैक्टर सर्किट। इस तरीके से जितने भी सर्किट्स हैं वो हम नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून एट क्वांटिपटी यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर मच।